हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दैनिक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लैक हेड्स को कैसे हटाया जाए। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब आएगी। तो सबसे पहले मेरे पास है डियर सी का ये नोज पोर स्ट्रिप्स। इसको मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये है डियर सी नोज पोर स्ट्रिप्स ऑलिव, और ये आपके नोज से डर्ट ऑयल हटा देता है, रिमूव करता है ब्लैक हेड्स को बहुत ही आसानी से। और ये वीडियो ना ही कॉलैब है ना स्पॉन्सर्ड है। मेरी सिस्टर ने इसे ट्राई किया और उसको ये काफ़ी पसंद आई तो मैंने सोचा इसका वीडियो बनाया जाए। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं, आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है ताकि कोई भी क्रीम वगैरह आपके फेस पे है वो हट जाए। फिर आपको ये स्ट्रिप्स लगानी है और इसको लगाने से पहले आपको अपनी नोज को गीला कर लेना है ताकि ये स्ट्रिप अच्छे से स्टिक हो जाए। और फिर 10-15 मिनट बाद आपको ये साइड से हटानी है सेंटर की तरफ, और आपके जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे वो आसानी से हट जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करती है और आपका पेनलेसली सारे ब्लैक हेड्स आसानी से हट जाएंगे। इसमें एक स्ट्रिप्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है, सिर्फ 20 रुपीज़ में। आप चाहें तो ये पूरा पैकेट भी ले सकते हैं, इसमें पूरे पैकेट में 10 स्ट्रिप्स आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे और साथ ही में इफ़ेक्टिव भी। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ जिलेटिन पाउडर 1 स्पून। ये आपको आसपास ना मिले तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर मार्केट में मिलता है तो वहीं से ले लें। फिर मैं इसमें मिलाने वाली हूँ छोटा चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। ये भी अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।
इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी पानी। हमें ये थिक पेस्ट ही बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी ही मिलाएं। इसके बाद आप इसे मिला लें और गर्म पानी में रख दें मेल्ट होने के लिए। मेल्ट होने के बाद आप इसे ब्लैक कैट्स पे या फिर जहाँ भी आपके ओपन पोर्स हैं वहाँ लगा सकते हैं। आप इसे अच्छे से अप्लाई कर लें और फिर आपको 5 मिनट का वेट करना है ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सूखने के बाद आप इसे जेंटली हटा दें और हटाने के बाद आप ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लें। और आपको फर्स्ट टाइम में ही फ़र्क मिलेगा, आपके ब्लैक हेड्स हट जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम देखने वाले हैं एक कमाल का फेस पैक जिसे बनाना भी आसान है। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है ऑरेंज पील पाउडर यानी संतरे के छिलके का पाउडर। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं, संतरे के छिलकों को सुखा कर देन पीस कर, या फिर मार्केट से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा आपको। इसमें बहुत से विटामिन मिनरल होते हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। ब्लैक हेड्स के दूर करने के लिए अच्छा है, एक्नी पिंपल्स को दूर करने के लिए भी अच्छा माना जाता है और हमारी स्किन को इवन बनाता है। ऑरेंज पील पाउडर के बहुत से फेस पैक और स्क्रब बनते हैं तो आप ये ले सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बेनिफिट आप सब जानते होंगे। आप चाहें तो घर वाला एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर मार्केट से जिस भी ब्रांड का आपको पसंद आए, जो नेचुरल हो वो आप लें। ये बहुत सी प्रॉब्लम दूर करता है हमारी स्किन की, सन टैन, और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। आप चाहें तो डेली एलोवेरा जेल क्रीम की तरह भी लगा सकते हैं। ओके, और आप थोड़ा देख परख के लें कि कौन सा एलोवेरा जेल है। बहुत सारे मार्केट वाले एलोवेरा जेल भी अच्छे नहीं आते हैं, मिलावट आती है और हमारी स्किन को सूट नहीं करते हैं। वैसे तो कुछ लोगों को तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी सूट नहीं करता है, तो आप देखें आपको कौन सा सूट कर रहा है, फिर उस एलोवेरा जेल को कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें मिलाया है। इसके बाद मैं इसमें गुलाब जल मिलाऊँगी। गुलाब जल हमें उतना मिलाना है जिससे ये फाइन पेस्ट बन जाए। आपको ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाना है, ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना है, एक फ़ाइन सा पेस्ट आप इससे बना लें। गुलाब जल के भी हमारे स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप दिन में कई बार, अभी गर्मियाँ हैं तो दिन में कई बार अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं गुलाब जल। इससे आपकी स्किन को कूल लगेगा, साथ ही में आपकी स्किन क्लियर रहेगी। तो ये हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को भी दूर करता है, और जिनके स्किन रेड हो जाती है गर्मियों में उनको भी ये सही करता है, और एक्नी के लिए भी गुलाब जल सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के आसपास गुलाब जल मिलाया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम अपने स्किन पे लगा लेंगे। कुछ मिनट बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे फेस को। आप कुछ कुछ दिन बाद ये फेस पैक बना के लगा सकते हैं और आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग लगेगा ये जब आप इसे वॉश करोगे, और साथ ही में हमारी स्किन को ये क्लियर और ग्लोइंग बनाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।